So we will start with our next topic, that is differently abled children. In our previous class, we discussed about the inherited traits and identical twins and fraternal twins. But in this topic, we will continue with our next topic, that is differently abled children. A child who is physically or mentally disabled is called a differently abled children. ऐसे बच्चे जो कि फिजिकली या फिर मेंटली कोई काम जो है करने में एबल नहीं होते उनको हम डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन बोलते हैं. जैसे कि टाइप्स क्या है हमारे डिफरेंटली एबल चिल्ड्रन के, सबसे फर्स्ट है विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर ब्लाइंड. ऐसे बच्चे जो कि देख नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट या फिर ब्लाइंड. सेकेंड है हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट, ऐसे बच्चे जो कि सुन नहीं सकते जिनको हम डेफ भी बोलते हैं. थर्ड है स्पीकिंग इम्पेयरमेंट, ऐसे बच्चे जो कि बोल नहीं सकते उनको हम डम बोलते हैं. फोर्थ इज लोकोमोटर इम्पेयरमेंट, मतलब कि अगर किसी के हैंड्स या फिर लेग्स जो है वो काम करना बंद कर दे या फिर किसी वजह से उनके हैंड्स या लेग्स जो है वो अलग हो जाए या उनके पास ना रहे उनको हम लोकोमोटर इम्पेयरमेंट बोलते हैं. फिफ्थ इज मेंटल रिटार्डेशन एंड मेंटल इलनेस, मतलब कि ऐसे बच्चे जो कि मेंटली थोड़े से स्टेबल नहीं है या फिर उनको कोई मेंटली प्रॉब्लम है उनको हम मेंटली इलनेस या फिर मेंटल रिटार्डेशन बोलते हैं. सिक्स्थ इज चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटीज, ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनसे रीडिंग या राइटिंग मतलब पढ़ना और लिखने में प्रॉब्लम होती है जिन्हें उनको हम चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं. ये सारे क्या है हमारे टाइप्स ऑफ डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन जो कि हम कुछ कुछ काम करने में एबल नहीं होते. अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे आगे. सबसे फर्स्ट हमारा आता है विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब कि जो बच्चे देख नहीं सकते, द चिल्ड्रन हु कांट सी बाय बर्थ और बाय सम एक्सीडेंट, ऐसे बच्चे जो कि या तो जन्म से ही देख नहीं सकते या फिर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके वजह से उनकी आईसाइट जो है वो चली गई है. ऐसे बच्चे दे यूज बुक्स रिटन इन ब्रेल, ऐसे बच्चे कौन सी बुक्स यूज करते हैं, ऐसी बुक्स जो कि ब्रेल लैंग्वेज में लिखी होती है. अब ये ब्रेल क्या होता है, आप नीचे देखो एक आपको बुक दिखाई देगी जिसके अंदर छोटे छोटे स्पॉट जो है वो उठे हुए दिख रहे हैं, दिख रहे हैं आपको सब बच्चों को नीचे, ये ब्रेल की बुक है. अब हम पढ़ेंगे कि ब्रेल क्या होता है. ब्रेल इज अ स्पेशल स्क्रिप्ट फ्रॉम ब्लाइंड पीपल, ब्रेल क्या है हमारी एक स्पेशल टाइप की स्क्रिप्ट होती है जो कि सिर्फ ब्लाइंड पीपल के लिए ही बनाई जाती है. इस बुक में क्या होता है, इस बुक में जो लेटर्स होते हैं ना वो ऐसे उभरे हुए होते हैं जिनको आप टच करके पहचान सकते हो कि कौन से स्पॉट पे वो दाना उभरा हुआ है. द लेटर्स ऑफ द बुक्स आर रेज्ड एंड वन कैन रीड बाय टचिंग द लेटर्स, आप क्या करोगे, जो ब्लाइंड बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनको टच करके पहचानते हैं कि वहां पर कौन सा लेटर लिखा हुआ है. जैसे कि मैंने देखो आपको एक पिक्चर इसमें दिखा रखी है जिसमें पूरी अल्फाबेट की सीरीज दे रखी है, ए बी सी डी ई एफ, और ऊपर ब्लैक डॉट्स दे रखे हैं. तो ये जो ब्लैक डॉट्स है ना जो बच्चे देख नहीं सकते वो इन्हीं डॉट्स से पहचानते हैं कि कौन सा लेटर लिखा हुआ है. अब देखो सबसे पहले अगर सिक्स डॉट में से सिर्फ एक डॉट जो है वो उभरी होगी तो दैट मींस कि वो ए है, अगर दो डॉट उभरी हुई है तो बी, सी में देखो ऊपर वाली दो डॉट्स है, ऐसे करते करते सारी अल्फाबेट के लेटर्स जो है वो उस बुक में लिखे होते हैं और ये ब्लाइंड बच्चे जो है याद कर लेते हैं और उसके बाद बुक आराम से वो रीड कर सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है. क्योंकि ऑफ कोर्स वो लेटर तो जो जैसे प्रिंटिंग में जो लेटर्स होते हैं वो पढ़ नहीं सकते तो इसलिए वो टच करके ही बुक्स को रीड करते हैं और जो ऐसी बुक्स होती है जिनमें ऐसी वर्ड्स बने होते हैं उनको हम ब्रेल बुक्स बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट बोलते हैं. समझ में आया सबको, थम्स अप करो समझ में आया तो, शो मी योर थम्स अप. ओके चलो नेक्स्ट पे आते हैं. अब हम नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर स्पीकिंग इम्पेयरमेंट, जिन हम ऐसे बच्चों को क्या बोलते हैं, डेफ एंड डम. डेफ का मतलब होता है जो बच्चे सुन नहीं सकते और
डम का मतलब होता है जो बच्चे बोल नहीं सकते. द चिल्ड्रेन हु कांट हियर और सी बाय बर्थ और बाय सम एक्सीडेंट. या तो वो बचपन से ही बोल नहीं सकते और सुन नहीं सकते, या फिर कोई उनके साथ एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से वो सुन या बोल नहीं सकते. अच्छा, अब ऐसे बच्चे जो हैं जो सुन या बोल नहीं सकते, तो वो बच्चे क्या यूज करेंगे कम्युनिकेट, किसी से बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए? दे यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट. वो साइन लैंग्वेज का यूज करते हैं किसी से भी बात करने के लिए. अब साइन लैंग्वेज क्या होती है, देखो एक पिक्चर मैंने साइन में दिखा रखी है आपको. अगर आपको किसी को प्लीज बोलना है साइन लैंग्वेज में, तो आप कैसे बोलोगे? अपने चेस्ट पे अपना हैंड रखे, दिस दिस मीन्स प्लीज. अगर आपको किसी को थैंक यू बोलना है साइन लैंग्वेज में, तो आप अपने चिन पे अपना हाथ लगाओगे, दैट मीन्स थैंक यू. और अगर आपको किसी को सॉरी बोलना है, तो आप अपने अपनी जो फिस्ट है वो आप अपने चेस्ट पे रखोगे, दैट मीन्स सॉरी. ये सबसे कॉमन साइन लैंग्वेज है जो आप किसी भी डेफ या डम बच्चे से बात करते टाइम यूज कर सकते हो. इवन आप भी यूज कर सकते हो, चाहे आप, आपको अगर बोलना या सुनना आता भी है, स्टिल आप साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हो. लेकिन बस ये है कि जिससे आप बात कर रहे हो उसको भी साइन लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी वो आपका मतलब समझ पाएगा. तो ये तीन एक्शन जो थे, ये प्लीज, थैंक यू और सॉरी के एक्शन है. ऐसे हर वर्ड का कोई ना कोई एक्शन जो है वो होता है, और वो साइन लैंग्वेज में वो बच्चे सीखते हैं. तो इसी से हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है साइन लैंग्वेज. साइन लैंग्वेज क्या होता है? अ लैंग्वेज यूज स्पेशली बाय दोज पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक. ऐसी लैंग्वेज जो कि सिर्फ, जो स्पेशली उन बच्चों, उन लोगों द्वारा यूज कर जाती है जो कि बोल और सुन नहीं सकते. दे यूज हैंड मूवमेंट्स टू कम्युनिकेट. ऐसे बच्चे या फिर ऐसे लोग क्या करते हैं, हैंड मूवमेंट्स का यूज करते हैं किसी से बात करने के लिए. साइन में देखिए, मैंने आपको पिक्चर दिखाई हुई है पूरी, जिसमें पूरी ABCD साइन लैंग्वेज में लिखी हुई है. ए, अगर आपको ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, तो आप कैसे एक्शंस करके बनाओगे. अगर आपको कभी साइन लैंग्वेज लर्न करनी है, तो आप लर्न भी कर सकते हो, ताकि आप किसी ऐसे बच्चे से बात कर सको जो कि सुन या बोल नहीं सकता. समझ में आया सब बच्चों को? एक साइन तो आपको सबको आता है ना, ओके का साइन, थम्स अप. ये साइन तो सबको आता है, ओके करने का साइन. मैंने पूछा समझ में आया, आप सब मुझे थम्स अप दिखाओगे, दैट मीन्स ओके. थम्स अप मीन्स ओके. ये भी एक साइन होता है जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, थम्स अप मीन्स ओके. समझ में आया सबको? शो मी द थम्स अप इन साइन लैंग्वेज. वेरी गुड.